हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैरत्नाज बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं रत्ना सिन्हा और आज हम डिस्कस करेंगे एमनियोसिंथेसिस। तो चलिए समझते हैं एमनियोसिंथेसिस है क्या। ये एक प्रोसीड्योर है जिसमें कि नीडल को इंसर्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के अंदर पिक्चर को ऑब्जर्व करिए, बेबी है, एम्ब्रियो है, वो डेवलप हो रहा है, और एम्ब्रियो जो है वो एक एमनियोटिक फ्लूइड है, उससे सराउंडेड है, और एमनियोटिक फ्लूइड एक सैक के अंदर, जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक सैक, वहाँ पर एम्ब्रियो है, वहाँ पर बेबी डेवलप हो रहा है। और ये जो है, इस टेक्निक में नीडल को इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में और इस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब नीडल को इंसर्ट करते हैं तो नीडल करेक्ट जगह पे जाए, इसके लिए अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस ली जाती है। अल्ट्रासाउंड के मशीन से सारा चेक करते हैं कि नीडल सही जगह जा रही है कि नहीं, और इस फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है। एक्चुअली इस फ्लूइड में क्या होता है, तो बेबी इस फ्लूइड से सराउंडेड है और बेबी के जो बॉडी सेल्स हैं वो इस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सिरिंज से ये बेबी के एमनियोटिक सैक, जिसके अंदर बेबी प्रेजेंट है, उस फ्लूइड से बेबी का सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और ये परफॉर्म करते हैं प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 15 से लगभग 18 वीक्स के अंदर। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है तो ये करते क्यों हैं, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्लूइड को है वो निकाला जाता है और उस फ्लूइड में सेल प्रेजेंट है और उसे लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेज देते हैं। अब इसका रिजल्ट जो है, लगभग 10 दिन से 3 वीक्स लग जाता है इसके रिजल्ट आने में, डिपेंडिंग ऑन द लैब, बिकॉज इनसाइड द लैब इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट द रिजल्ट्स, बिकॉज द सेल्स हैव टू सेल्स हैव टू ग्रो इन अ लैब इन ऑर्डर टू एनालाइज देम, और लैब में इसकी एनालिसिस की जाती है। जब ये लैब में एनालाइज होता है तो जेनेटिक और केमिकल टेस्ट इसके किए जाते हैं। जेनेटिक टेस्ट क्यों किया जाता है, देखिए जेनेटिक टेस्ट में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, फिनाइल किटोनूरिया एट्सेट्रा, ऐसा कोई डिजीज है, तो ये जेनेटिक एनालिसिस से पता चल जाएगा। और एम्ब्रियो में क्या डिफेक्ट डिसऑर्डर आएगा फ्यूचर में, इसका पता लग जाता है। कई बार होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन करेक्ट है कि नहीं है, इसको भी हम इससे जान सकते हैं। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर केमिकल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, इनकी एनालिसिस हो जाती है। तो वूम के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है उसका और उसके फ्लूइड का पूरा चेकअप हो जाता है। अब यहाँ पर इस टेक्निक का कई बार मिसयूज़ किया जाता है, बिकॉज इससे क्रोमोसोमल एनालिसिस हो जाती है। अगर XX क्रोमोसोम है तो ये फीमेल चाइल्ड होगी, और XY है तो मेल चाइल्ड होगा, और ये एक सोशल क्राइम होता है कि लोग फीमेल चाइल्ड को, जैसे कि अगर जान लिए कि XX क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, तो ये फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर सोशल क्राइम हो जाता है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है, या कह लीजिए इसका मिसयूज़ भी किया जाता है। खैर, गवर्नमेंट इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप्स लेती है कि इस तरह के सोशल क्राइम ना हो और इस टेक्निक का सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल हो सके। अब यहाँ पर इसके जो कुछ रिस्क हैं वो भी आते हैं एमनियोसिंथेसिस के, अगर सावधानी से न किया जाए तो मिसकैरिएज भी हो सकता है और नीडल जो है वो इंज्यूरी कर सकता है फीटस को। यहाँ पर बहुत स्किलफुल हैंड होना चाहिए, नहीं तो इंज्यूरी होने की संभावना कई बार हो जाती है, और कई बार तो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक कर जाता है, और अगर हाइजीनिक प्रोसेस से ना किया जाए तो इन्फेक्शन भी हो जाता है।